केंद्र सरकार का ऐलान, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 3 दिन में 24 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की मिलेगी खुराक। कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट को प्रभावी ढंग से बेअसर करती है भारत की कोवैक्सीन, शीर्ष अमेरिकी संस्था का दावा। 31 जुलाई तक स्थगित रहेगा इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स का शेड्यूल, डीजीसीआई का आदेश। बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने रामदेव के इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा। गूगल की पहली अंतरिम रिपोर्ट जारी, बताया 27,700 यूजरों की शिकायत के बाद अप्रैल में हटाए गए 59,000 कंटेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात भोपाल की। भोपाल में महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर दिवंगत कोविड संक्रमितों के आश्रितों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है और इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो केवल घोषणा करते हैं लेकिन घोषणाओं पर अमल नहीं करते हैं। महिला कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कोविड में दिवंगत लोगों के आश्रितों को 1,00,000 की मदद की जाएगी लेकिन उसको अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन स्तर से आज तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं। इन्हीं सबके चलते महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। अभी कोरोना काल के समय अलग अलग इसमें इन्होंने 5 घोषणाएं करी लेकिन उन 5 में से 4 में तो फिर भी थोड़ा कुछ काम हुआ, लेकिन जो 1,00,000 की आर्थिक सहायता देने की, पारिवारिक सहायता देने की इन्होंने घोषणा की थी कि कोविड में जिसके माता पिता खत्म होंगे उन बच्चों की, मतलब उनकी परवरिश भी और पारिवारिक सहायता 1,00,000 की दी जाएगी, उस पर आज तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो कम से कम ये हम उनकी कुछ भी सहायता करके कोई बहुत बड़ी वो नहीं कर रहे हैं लेकिन एक थोड़ी सी राहत राशि जिसमें उनके जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनका कोई नहीं है, तो ये सहायता राशि बहुत जल्द दी जाए, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश के लिए जो 5 नई योजनाएं निकाली थी। नहीं देखिए, राहत राशि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देंगे तो माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ जी के आग्रह पे पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पे उतर गए जो लोग मध्य प्रदेश में कोरोना काल में काल के गाल में समा गए उनके लिए बिल्कुल उनकी आवाज उठा के सड़कों पर उतरेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है? देखिए, कोरोना काल को लेकर जाहिर सी बात है कि पहले भी बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी जब ये पिछले साल आया था कोरोना, और इस साल की अगर बात करें तो इस साल भी पिछले साल के मुकाबले अधिक लोगों की, अधिकतर लोग जो थे वो काल की गाल में समा गए। ऐसी सूरत में शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की थी कि हम कोरोना से में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको, उनके परिजनों को हम 1,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे, लेकिन आज दिवस तक शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिससे जनता को राहत मिल सके और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे कि हम 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देंगे उनको, खासकर जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है, आज तक वो राशि न मिलने के कारण कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद की है जिसको लेकर महिला कांग्रेस सक्रिय हुई और रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम और उन्होंने ये कहा है, ये मांग की है कि जल्द से जल्द वो ऐसे जो पीड़ित है जिनके घरों में किसी परिजन की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो अपना वादा खिलाफी न करें, अपने वादे को अमली जामा पहलाएं और जो वादे किए हैं मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उसकी गरिमा को निभाते हुए जो उनको 1,00,000 रुपए की सहायता राशि जो उन्होंने वादा किया था उस वादे के मुताबिक उन्हें प्रदान करें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, यही कारण है कि महिला कांग्रेस मैदान में उतर पड़ी है। जी, 1,00,000 की आर्थिक सहायता के अलावा और कौन कौन से वादे किए गए थे जिनकी वादा खिलाफी का आरोप महिला कांग्रेस कर रही है? देखिए, वादे तो कई थे जो कोरोना काल में किए गए थे, अगर बात करें तो पत्रकारों की सहायता को लेकर भी वादे किए थे शिवराज सिंह चौहान ने जिसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है, जिसको लेकर भी महिला कांग्रेस और पूरी कांग्रेस जो है यूथ कांग्रेस उन्होंने आवाज बुलंद की थी लेकिन नतीजा सिफर रहा, कोई नतीजा सामने नहीं आया। उसके बाद अभी हाल ही की बात करें तो जो मुख्य मुद्दा है, जो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी जो है वो करीब है, ऐसे में कांग्रेस अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रही है, जनता का ध्यान बटा रही है, बार बार इस तरफ ध्यान दिलाना चाह रही है कि
शिवराज सिंह चौहान के ऊपर जो इस तरह से आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, उसके मुताबिक जनता का ध्यान बटा रहे हैं कि शिवराज जी के वादे कुछ होते हैं केवल घोषणा करते हैं, लेकिन उसको अमली जमा पहनाने की जब बात आती है तो वो कन्नी काट जाते हैं। और इसी बात को हवा देते हुए महिला कांग्रेस जो है इसको मुद्दा बनाकर एक उन्होंने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों को सामने रखकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। जी शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर इंदौर से है जहां कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुष्कर्म पीड़िता यूथ कांग्रेस की महासचिव ने आईजी कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए वहां पर पहुंचे। दरअसल बीते 2 अप्रैल को विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर के महिला थाने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले में अब तक विधायक के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़िता को लगातार गैंगस्टर्स के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं। वहीं अब पीड़िता ने आईजी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपते हुए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं। आईजी के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पूरे मामले में पीड़िता ने एक आवेदन दिया है और इसमें इसने आरोपी के वर्तमान अपराध के साथ साथ उसके पुराने जो अतीत में कुछ जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसकी भी जानकारी संलग्न की है और कुछ और भी आपराधिक जानकारियां इसमें संलग्न की हैं। इसमें 376 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पहले से पंजीबद्ध है, इसमें टीम जांच कर रही है। निश्चित तौर पे उसमें कुछ समय हो गया, उसमें तात्कालिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। तो पीड़िता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों के चलते अब आईजी ने ये दावा किया है कि जितनी संभव मदद हो सकेगी उतनी मदद की जाएगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने रतलाम जिले के पिपलोदा पहुंचकर वहां के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, वहीं बैठक करके वहां की समस्या के बारे में भी जाना। विगत कुछ महीनों पहले पिपलोदा में एक सड़क बनाने का ठेका दिया गया था, उस ठेके की लागत 20 लाख रुपए थी। उस ठेकेदार को अधिकारियों द्वारा 10 लाख का भुगतान भी कर दिया, लेकिन ठेकेदार ने सड़क पर सिर्फ चूरी डालकर काम बंद कर दिया। ऐसे कई सारे काम पिपलोदा जनपद में अधूरे पड़े हैं। वहीं बीरेंद्र सिंह ने जनपद सीईओ और इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी मिलीभगत से जनता तक शासन की योजनाओं का पैसा नहीं पहुंचता है। वहीं भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिनों में इस घटिया सड़क निर्माण की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अगली बार हम सीईओ के चैंबर के अंदर भ्रष्टाचार का पुतला दहन करेंगे। जनपद क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। गांव के लोग जो जन सुविधाओं के लिए शासन पैसा भेजता है वो पैसा पूरा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दलालों की जेब में जा रहा है। कुछ एक महत्वपूर्ण विषय आज जिसको लेकर के हम लोग आए थे आंबा ग्राम पंचायत के आंबा से दौलतपुरा गांव में, पिछले वर्ष जुलाई माह में 15 लाख रुपए की टीएसए रोड निर्माण की स्वीकृति हुई थी, उसकी एक प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई 20 अगस्त 2020 को, उसका कार्य चालू हुआ और 3 महीने के अंदर उस कार्य को पूर्ण करना था। 10 लाख रुपए से अधिक का भुगतान उस रोड पे हो चुका। मुश्किल से अभी हमने वहां जाकर के देखा, हमें लोगों ने बताया कि यहाँ मुश्किल से 2-3 लाख रुपए वहां मुश्किल से मुर्मीकरण में लगे हैं। ना तो वहां किसी तरह का रोड पे फ्लैशिंग हुआ है, ना गिट्टी उस पर डली है, ना चूरी उस पर डली है। हमारे संवाददाता नेहरू सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेहरू, क्या कुछ जानकारी है? और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नेहरू इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नेहरू, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं जिस तरह आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि रतलाम जिले की ये पिपलोदा जनपद पंचायत है जहां वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे हैं जनपद पंचायत के, उनके द्वारा पिपलोदा गांव पहुंचकर वहां की जनपद पंचायत से जुड़े आसपास के गांव ग्राम पंचायतों की जानकारी ली गई थी। वहां पिपलोदा में एक सड़क बनाने का ठेका दिया गया था, उस ठेके की लागत 20 लाख रुपए थी।
ठेकेदारों को अधिकारियों द्वारा 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क पर सिर्फ चूड़ी डालकर काम बंद कर दिया था। ऐसे में सारे काम पिपलोदा जनपद में अधूरे पड़े थे, तो वीरेंद्र सिंह जी ने जनपद सीओ व इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मिली भगत से, क्योंकि शासन की योजनाओं का पैसा जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस टाइम अभी वर्तमान में जब भाजपा की सरकार है, तो अधिकारी सत्ता के दबाव में, भाजपा सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं। तो जब ये पुतला दहन किया गया, उसके बाद अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? ये अधिकारियों ने बिल्कुल आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इससे बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। पर वीरेंद्र सिंह जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 7 दिनों में दोषियों पर जांच कर कार्रवाई नहीं होती है, तो अगली बार हम सीओ के चैम्बर के अंदर भ्रष्टाचार का पुतला दहन करेंगे। उग्र आंदोलन की दी है उन्होंने चेतावनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहरू, और जो दर्शक हैं उनको पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं धार जिले के बदनावर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। आपको बता दें कि कुछ बदमाशों ने पुलिस की वर्दी में एक युवक का अपहरण कर लिया, और इस घटना का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही इस घटना का पता स्थानीय लोगों को चला, तो वो दहशत के माहौल में आ गए। हालांकि इस मामले में पुलिस लगातार जांच भी कर रही है। तो एक अजीब और गरीब मामला धार से सामने आया, जहां पर बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहनी और एक युवक का अपहरण कर ले गए। आज सुबह थाना बदनावर में बावनसुदा गांव में 3 से 4 लोग अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति को किडनैप किया है और उसको उठा के ले गए थे। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो पैसे के लेन देन का प्रतीत हो रहा है, और इसमें पुलिस की टीम लगी है और जल्दी ही किडनैपी को पुलिस रिकवर कर लेगी और आगे की विवेचना जारी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। घनश्याम, क्या ये मामला है? धार जिले के बदनावर तहसील के गांव बामनसुटा का मामला है, जहां पर एक युवक था संजय शर्मा नाम का, जो तंत्र मंत्र करके पैसे डबल करने का दावा करता था। उसने लोगों से पैसे ऐड रखे थे, जिसको लेकर जिनसे पैसे ऐड गए थे वो लोग आए पुलिस की वर्दी में और उसका अपहरण करके ले गए। ये मामला पूरा धार जिले के थाने में दर्ज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। वहीं भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में एक घर से महिला का शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक नाबालिग युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में युवती घायल हो गई। वहीं पीड़िता के परिजनों का कहना है कि इसके पहले भी ये बदमाश नाबालिग से छेड़खानी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत परिजनों ने MIG थाना क्षेत्र में की थी। वहीं एक बार फिर अब पीड़िता के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वो बालविनय स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी, वहाँ पर उसके मोहल्ले में उसके पास में रहने वाला एक लड़का है अमित, उसके द्वारा गाल पर किसी नुकीली और धारदार चीज से हमला किया गया। उसकी रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश के लिए टीम। वहीं जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेज एसोसिएशन भी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। पिछले काफ़ी समय से रीवा में नर्सें अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रही थी। 28 को सभी नर्सें सामूहिक आवास अवकाश पर चली गई थीं और सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 30 जून से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। लेकिन उनकी इस बात पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं और सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने विरोध भी जताया है।
वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोगों ने जहाँ पर जो चार नर्सिंग कॉलेज है इन लोगों के स्टूडेंट्स को बुलाया हैगा, और काफ़ी अभी हर कॉलेज से 20-20 स्टूडेंट्स की आने की संभावना है। अभी तक वर्तमान में 22 स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में आ चुके होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो प्रोबेशन पे जो नर्सिंग स्टाफ है ये इन लोगों से कहा गया है, तो इनमें से अभी वर्तमान में 6 मॉर्निंग में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा 6 हमारी जो रेगुलर स्टाफ है वो लोग जो हैं ड्यूटी कर रहे हैं, जो सीनियर है। हमारी मांगे हैं कि अन्य राज्यों के बाद सेकंड ग्रेड का दर्जा मध्य प्रदेश की नर्सों को भी मिले। दूसरी मांग है कि जो सरकार ने 2005 में पुरानी राष्ट्रीय पेंशन योजना समाप्त की थी उसे पुनः लागू करें। 2018 में जो आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है और नर्सेस विरोधी है उसे तत्काल संशोधन करें या दूसरा आदर्श भर्ती नियम बनाए। हमारी स्टूडेंट छात्राएं हैं जिन्हें 3,000 रुपये महीने में उनसे पूरे 1 महीने काम करवाया जाता है, कितना कम है। इसलिए हमारी मांग है कि कलेक्टर रेट में उन्हें 18,000 रुपये पर मंथ स्टाइफंड प्राप्त हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीम सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमीम, चेतावनी दी गई थी सरकार को लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और अब फिर नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। क्या कुछ और अपडेट है अब तक? सर, नर्सेज अब मूड बना लिए कि अब हमको हड़ताल करना है, काम में नहीं जाना है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम चले जाएंगे। अब वो आज से नर्स स्ट्राइक में चली गई है। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे इनके 12 सूत्री मांगे हैं, जिसने बोला गया, बताया गया कि हम जो कोरोना में शहीद हुई है हमारी नर्सें, इनको परिवार वालों का अनुकंपा नियुक्ति किया जाए, पेंशन लागू जो बंद हो गए इसको चालू किया जाए, जो बाहर से जो नर्सें आती हैं इनको स्टाफ दिया जाए और साथ में सैलरी जो मतलब बंद कर दी इनको फिर चालू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं धार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम साला पुनर्वास केंद्र पर नर्मदा के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना मिलने पर धामनोद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं जांच पड़ताल करने पर युवक की शिनाख्त ग्राम साला के ही चिरंजी लाल जगदाले के रूप में हुई। मृतक के शरीर पर गले में और सिर पर धारदार हथियार की चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मृतक पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था। उसने गांव के ही एक शराब के अवैध कारोबारी की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस ने उसका प्रकरण भी बनाया था। रंजिश रखते हुए आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। आज सुबह थाना बन्नावर में बावनसुदा गांव में 3 से 4 लोग अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति को किडनैप किया है और उसको उठा के ले गए थे। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो पैसे के लेन देन का प्रतीत हो रहा है और इसमें पुलिस की टीम लगी है और जल्दी ही किडनैपी को पुलिस। वहीं भोपाल शहर में ब्रांड न्यू कार चुराने वाला एक शातिर गिरोह क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। गिरोह के सदस्य शोरूम से लग्जरी कार खरीदने के कुछ घंटे के बाद ही उसकी चोरी कर लेते थे। बीते दिनों शहर के बिलखरिया इलाके में चोरी हुई न्यू कार के साथ गिरोह के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी प्रदेश के गुना शहर के रहने वाले हैं। ये दोनों शातिर अपराधी शोरूम पर वाहन खरीदते समय ग्राहकों पर पैनी नजर रखते थे, साथ ही गाड़ी ट्रायल के बहाने गाड़ी की चाबी चुरा लेते थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सीहोर में कलेक्ट्रेट में हो रही जनसुनवाई में आष्टा नगर के नवनिर्मित पीएम आवास कॉलोनी के रहवासी वहां पर पहुंचे। इस दौरान रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाध्यक्ष के सामने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शासन और नगर पालिका ने दरगाह के पास पीएम आवास कॉलोनी विकसित की। करीब 500 मकान बन रहे हैं जिसमें करीब 150 से ज़्यादा हितग्राही अपने मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन पीएम आवास कॉलोनी में अभी तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कॉलोनी में रोड नहीं होने से कीचड़ है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। पीएम आवास कॉलोनी में रहे वासियों ने समय समय पर
पूर्व में SDM महोदय, नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी समेत क्षेत्रीय विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी कॉलोनी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव आज भी नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज PM आवास कॉलोनियों के रहवासियों ने सीहोर पहुंचकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपना ज़्यादा बेहतर समझा और उन्होंने अपनी मांग रखी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की इंदौर पुलिस रेलवे पुलिस ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पकड़े गए बदमाश हरियाणा की सांसी गैंग के लुटेरे हैं। सभी आरोपी ज्यादातर ट्रेन के AC कोच को निशाना बनाते थे और सिर्फ सोने चांदी के जेवरात और नगद राशि को ही लूटते थे, बाकी सामान वो घटनास्थल के आसपास छोड़ देते थे। वहीं हाल ही में उन्होंने बड़ौदा में घटना को अंजाम दिया था, जहां हैदराबाद जयपुर ट्रेन की बोगी में घुसकर उन्होंने लूट की और बाद में वो ग्वालियर भिंड ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम देने में सफल हुए। पुलिस की माने तो चारों आरोपियों से लूट का मामला भी माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं वीडियो फुटेज और जानकारियों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। वहां से बातचीत की है तो ये मालूम पड़ा है कि हैदराबाद जयपुर हैदराबाद ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा और उसके बाद में उसके अंदर तीन लोग घुसे हैं और उन्होंने यात्रियों का सामान चोरी किया है। और उसके बाद वो लोग बगल में जो खड़ी थी भिंड ग्वालियर, जिसको कि सिग्नल नहीं मिला था क्योंकि चूँकि हैदराबाद आने वाली थी तो वो बाहर खड़ी थी आउटर पे, उसमें भी घुसे हैं और उसने दो महिलाओं का बैग छीना है, लूट की है, ये मालूम पड़ा था। उसके बाद हमने घटनास्थल को पूरा ध्यान दिया, तो घटनास्थल के पास में ही हमको जो सामान गया था उसमें उनके मोबाइल फोन और जो भी उनका दैनिक। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए Prime TV।